वेलकम जी, मैं हूं मोहम्मद जाहिद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ट्रैवल एंड टेल। ट्रैवल एंड टेल एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं मुख्तलिफ जगहों का सफ़र करता हूं और उसकी सारी डिटेल आपके साथ शेयर करता हूं, ताकि ना सिर्फ आप मेरे साथ एंजॉय कर सकें बल्कि अगर आप उस जगह का सफ़र करते हैं तो आपके पास उस जगह के बारे में, उस रोड के और बाकी कंडीशंस के बारे में मालूम पहले से मौजूद हों, और अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं किसी जगह पर जाने की तो वो मालूम आपकी प्लानिंग में भी काम आ सकें। हमारा आज का सफ़र जो है इस्लामाबाद का सबसे जो बेहतरीन पॉइंट है, इस्लामाबाद का व्यू पॉइंट दामन को तक के सफ़र के बारे में है। हमारा ये एक रोड टूर है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये रोड टूर हमारा स्टार्ट होता है जो पुलिस चेक पोस्ट है इस्लामाबाद ज़ू, जिसको पहले लालाजार ज़ू कहा जाता था, उसके पास, वहाँ से ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और ऊपर दामन को तक जाऊँगा। ये तकरीबन जो है वो 4 किलोमीटर की राइड है, और क्या ही बेहतरीन राइड है। इस्लामाबाद शहर जो है ये बिलाशुबा दुनिया के बेहतरीन शहरों में से, प्लैनेट सिटी में से एक है, और ये इसका एक बेहतरीन पॉइंट है। ये जो हिली एरिया की रोड है आपको हिली एरिए का भी पूरा मज़ा देती है और शहर के बिल्कुल साथ भी है, काफ़ी बिजी रोड है। इस रोड के नज़ारे बड़े शानदार हैं, लोग पैदल भी जाते हैं, मोटरसाइकिलों पे भी जाते हैं और अपनी गाड़ियों पे भी जाते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल है, ज़्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट आगे पीर सुहावा एक जगह है वहाँ तक जा रही होती है, तो उस पे बैठ के आप दामन को ड्रॉप हो सकते हैं। दामन को से आगे मोनाल रेस्टोरेंट है जो कि एक खाने पीने के हवाले से और अपने व्यू के हवाले से वो भी एक अच्छा पॉइंट है। दामन को जो है ये एक तो पूरा इस्लामाबाद यहाँ से नज़र आता है, दूसरा यहाँ पे जंगल का सीन है कुछ बना हुआ कि आप जंगल के नज़ारे ले सकते हैं, और यहाँ पे जंगली बंदर वगैरह भी मौजूद हैं। जहाँ इस सड़क पर बेशुमार नज़ारे और खूबसूरत दरख्त और ग्रीनरी है, वहीं इस सड़क पर एक अलमनाक हादसा भी गुजरे सालों में हुआ था। एयर ब्लू का त्यारा क्रैश कर गया था जिसकी वजह से दर्जनों कीमती जानों का नुकसान हुआ था। अल्लाह पाक उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे और मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। यार, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर दें, ताकि तमाम वीडियोस का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो पसंद आए तो इसको भी लाइक और शेयर कर दें। आखिर में आपके लिए खुशियों और आसानियों की दुआ, अल्लाह पाक आपको खुशियाँ और आसानियाँ दे और आप लोगों में खुशियाँ और आसानियाँ तकसीम करने का बायस बने। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।